तो फाइनली इस साल मार्वल की सारी सीरीज खत्म हो चुकी है शील के फिनाले एपिसोड के साथ। और लिटरली क्या एपिसोड था ये, आई मीन कुछ भी चल रहा है, फोर्थ वॉल ब्रेक करने के नाम पे ये क्या ड्रामा लगा रखा है। बात करेंगे इस पर भी और इस एपिसोड में आई ईस्टर एग्स एंड हिडन डिटेल्स की, बट उससे पहले इंट्रो। सबसे पहले तो जब मैं ये एपिसोड देख रहा था तो एक मोमेंट पर तो ऐसा लगा कि ये मार्वल शो है या स्टार प्लस का डेली शो, मतलब कुछ भी चल रहा है। टॉड हल्क बन गया, टाइटेनिया फाइट करने आ गई, फिर ऊपर से हल्क आ गया, बिना मतलब सब फाइट कर रहे हैं। ऐसे में तो नाना जी को भी आ जाना चाहिए था अपना ठेला लेकर। उसके बाद जो फोर्थ वॉल ब्रेक होता है तो अलग ही लेवल पे चल रहा है। यहाँ पे भी फोर्थ वॉल ब्रेक करने पर ऑडियंस से बात करते हैं, यहाँ तो बिहाइंड द कैमरा के सीन चल रहे हैं। स्क्रिप्टिंग चेंज हो रही है, केविन के नाम पे रोबोट दिखा दिया गया, जब सबको ही दिखा रहे थे तो केविन को भी दिखाई देते, उसके लिए क्या मुँह दिखाई की रस्म रखी जाएगी। ओवरऑल देखा जाए तो एपिसोड एक मिक्स लेवल का था। चलिए बात करते हैं ईस्टर एग एंड हिडन रेफरेंसेस की। तो सबसे पहले ओपनिंग टाइटल, जो कि सिमिलर था फ्रेम टू फ्रेम पुरानी इनक्रेडिबल हल्क टीवी सीरीज से, जो कि रिलीज हुई थी 1978 में। तब कोई सीजीआई का यूज़ नहीं होता था, मीन्स एक बॉडी बिल्डर टाइप बंदा हल्क बनता था। आजकल तो किसी भी बंदे को सीजीआई और वीएफएक्स की हेल्प से हल्क बना देते हैं। देन आता है एक टाइटल द सेवेज शी हल्क, जो कि एग्जैक्ट नेम है 1980s में आई शी हल्क की कॉमिक का। नेक्स्ट जेन के चाइल्डहुड वाले कमरे में कई रेफरेंसेस मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि वो बचपन से ही लॉयर बनना चाहती थी। जैसे कि ये पोस्टर एरिन ब्रोकोविच का, जो सन 2000 में आई एक मूवी है, मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो देख सकता है या देख सकती है। नेक्स्ट जब पग इंटेलिजेंसिया जाता है तो वहाँ लोग लेडी थॉर को भी क्रिटिसाइज करते हैं, जो कि रेफरेंस है माइटी थॉर का। नेक्स्ट फोर्थ वॉल ब्रेक होने पर जब जेन एंट्री करती है असेंबल्ड में, तो वहाँ दो लोग थॉर मूवी में दिखाए गए इन्फिनिटी गाउंटलेट की बात करते हुए सुनाई देते हैं। देन तो रेफरेंसेस की लाइन ही लग जाती है। हमें दिखता है डिज्नी का रियल स्टूडियो, शी हल्क के रियल राइटर्स, व्हाइट बोर्ड पर लिखे शी हल्क की फिनाले के आइडियाज, आयरन मैन के सूट्स, मार्वल का रियल स्टूडियो, देन केविन की फुल फॉर्म, जो कि होती है नॉलेज इन्हेंस्ड विजुअल इंटरकनेक्टिविटी नेक्सस। नेक्स्ट रेफरेंस मिलता है ब्लैक पैंथर का, जब केविन बोलता है शी हल्क से कि तुम कैमरा के पीछे ट्रांसफॉर्म हो जाना, क्योंकि शी हल्क एक्सपेंसिव है और वीएफएक्स टीम नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। तभी बैकग्राउंड में ब्लैक पैंथर की थीम प्ले होती है, क्योंकि एमसीयू का नेक्स्ट प्रोजेक्ट वही है। देन वहीं हमें कई कॉमिक रेफरेंसेस दिखते हैं, लाइक कैप्टन अमेरिका, अमेरिका चावेज, शी हल्क, डेयरडेविल, मिस मार्वल एक्सेट्रा। देन नेक्स्ट ईस्टर एग मिलता है हल्क की सोलो मूवी का, जो कि प्लैनेट हल्क या वर्ल्ड वॉर हल्क की कॉमिक पर बेस्ड होगी। उसका नेक्स्ट रेफरेंस मिलता है जब लास्ट में सब डिनर कर रहे होते हैं और हल्क अपने बेटे सकार को इंट्रोड्यूस करता है। देन लास्ट एक पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसमें वोंग एमिल को ले जाता है कामताज। ये वोंग आजकल कुछ ज़्यादा ही पोस्ट क्रेडिट सीन्स में आता है, लगता है सभी मूवीज़ को लिंक करने का कॉन्ट्रैक्ट इसी पर है। सो दैट्स इट फॉर नाउ, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।